हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट ब्रोस। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ब्लैक के ऑफिशियल ट्रेलर पे। भाई आज नाम नहीं बोला तुमने। नाम वाला भूल गया मैं, कल कोई डिफरेंट कर लेंगे थोड़ा। हाँ भाई, आज हम कर रहे हैं ब्लैक के ऑफिशियल ट्रेलर पे, और इसमें देव खरोड़ा खरोड़ वो लीडिंग एक्टर है भाई। और भाई वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्टर है बहुत ज्यादा। मैंने उनकी रुपिंदर गांधी 1 और रुपिंदर गांधी 2 दोनों मूवीज देखी हुई है, और मुझे मालूम है कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। और एक और मूवी आई थी शायद, या फिर मुझे वैसे मैंने अभी देखा नहीं, वीडियो सॉन्ग पे रिएक्ट किया था, पर वो एक गाना था, वो मूवी का ही गाना था, वो सिद्धू मूसेवाले का यार। हाँ डॉलर। तो भाई बहुत ही जबरदस्त एक्टर है ये, तो पहले देख लेते हैं कि क्या है ये मूवी, उसके बाद बात करेंगे। हर इंसान जीण दी इक राह चुनदा है, पर कुछ राह इंसान नू अपने आप चुनदे ने। ए राह उसे वेड़े चो लंघदा सी जिथे ओ बचपन च खेड़िया सी। इस राह ते आउण दियां पैड़ां ने जाणदियां नहीं। कुर्ते पजामे जे पाके ना कोई कॉलेज नहीं जांदा। अजकल नवा स्टाइल चलिया होया बेल बॉटम, धर्मेंद्र लंबू स्टाइल, ओ बनाउणे। अपनी भैन दे व्याह दी मुंदरी दा नाप देण चलिया सी। मेरे बाऊ जी ने मेरी शीतल घरों बाहर निकलदी है तां उहनूं कार चाहीदी है। तैनूं ना प्यार बिजनेसमैन मत्था नहीं लाते, हाथ मिला। दूजिया के दम ते सर्कस का शेर बनिया जाता चीमा साहब, ते अपने दम ते जंगल का। इलाके च इदा का किड़ा पैदा हो गया जिन्हों बहुत डर नहीं। सारे शहर च तरथली मचाई हुई है तेरे पुत्र ने। लिख, तू दिन दिहाड़े एक शरीफ आदमी गोली मारती, बाकी मनाना तो छड, पहले यही मनवा ला कि मैं तेरे थाने च तेरे थप्पड़ मारे। फिक्र ना करो, सब नू अनाज मिलू। तू साडा अनाज लुट के बंदेगा, जेड़ा तेरा सोना लुट सकता है। अनाज लुटना कोई वड्डी गल नहीं। अजे तक पता नहीं तेरी करके किन्ने घर च सत्थर बिछड़गे। यार ये मूवी जो है वो किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है क्या? पता नहीं, जिस हिसाब से इन्होंने दिखाया हुआ मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि आजकल रियल इंसिडेंट पे ज्यादा आ रही है मूवीज। हाँ, पर शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलो जो भी हो, बट यार अगर है तो भाई रिमाइंड करके बता देना हमको कि किस रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, क्योंकि हमको नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। बाकी मूवी की अगर बात की जाए तो देव करोड़ को इसमें गैंगस्टर बना दिया है, एडर को गैंगस्टर बना ही दिया है। हर एक में गैंगस्टर का रोल करते हैं देव करोड़, और उनकी लुक भी बड़ी जबरदस्त है यार। इतना लंबा चौड़ा आदमी गैंगस्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। सही बात। और यार इसमें काफी सारी ऐसी चीजें बताई गई हुई हैं, जैसे मतलब कि पुलिस करप्ट होती है, हर बंदा करप्ट होता है। और जब बोला भी है कि भाई शरीफों के लिए कोई जगह नहीं है दुनिया में। नहीं, लेकिन वैसे मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। अगर आदमी चाहे तो ये दुनिया सुधर भी सकती है, और क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत खुद से होती है। अगर आप चाहते हो कि किसी को कुछ भी सुधारना, तो पहले सुधार अपने आप से शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सुधर जाएंगे। बिल्कुल।
ये चीज मैं बिल्कुल भी कभी एग्री नहीं करता कि यार यहाँ शरीफों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ शरीफों के लिए बहुत जगह, बहुत रिस्पेक्ट है। बट कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो दूसरों को जलील करके सोचते हैं कि हम कूल हैं। हर सोसाइटी में होते हैं यार वो, ठीक है ना, वो चाहे जो मर्जी कम्युनिटी हो, जो मर्जी सोसाइटी हो, वहां पे ऐसे लोग मिलेंगे मिलेंगे। तो इस ट्रेलर को मतलब ये ऐसे लग रहा है कि थोड़ा पुराना ट्रेलर है, मतलब थोड़े पुराने टाइमलाइन बताइए। पुराना भी दिखाया हुआ है थोड़ा, लेकिन थोड़ा ये नहीं पता कि यार ये किस पे बेस है, क्योंकि वो पता होता थोड़ा तो हम उस बारे में बोलते भी अगर हमको नॉलेज होती। डाकुओं का जमाना तो चला गया, तो मुझे लग रहा है डाकुओं के जमाने की है। बट इसमें AK-47 है इनके पास, मैंने देखी वो जो ऐसे करके पैर से उठाता है, वो कोई चक्कर नहीं, क्या पता नहीं हो इंसिडेंट पे बेस हो सकता है। तो भाई एक बड़ी मतलब अच्छा सीन नहीं होता जब कोई पुलिस को मारता है या इस टाइप से ना, पुलिस की रेपुटेशन कम हो जाती है, तो और भी लोगों को लगता है कि यार हम भी मार सकते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए यार, उस बंदे के बीच में कुछ ना कुछ औकात होगी तभी उसने मारा है। सही बात। अगर कई लोग होते हैं ना वो विदाउट औकात के ही चल पड़ते हैं। सही बात। भाई पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए होती है, आप उनकी सेफ्टी को खतरे में मत डालो। नहीं यार, करप्ट बंदे के साथ ऐसा होना चाहिए यार, करप्ट है तो ऐसा होना चाहिए यार, करप्ट है। ये नहीं कि वर्दी में मारो उसको। हाँ, वर्दी में नहीं, वर्दी में नहीं मारना चाहिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, कैसे लगी आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और इस मूवी को भी पक्का देखना, 3 मई को रिलीज हो रही है ये मूवी। तो गाइस अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।